हेलो गाइस, माय प्रीति कुक रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आलू का नमकीन। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगे। ये व्रत के लिए हम बना रहे हैं, नवरात्र चढ़ा है इसके वजह से बना रहे हैं। देखिए आलू को हम छीन लिए हैं और इसके वजह से पानी में हम धो लेते हैं। धो के निकाल के गाजर घसने वाला से है ना, उससे इसको घस लेते हैं। बॉयल में थोड़ा पानी लिए है, उसके बाद से घसने जा रहा है। देखिए कितने अच्छे से घस रहे हैं। अब घस लिया है, 5 से 10 मिनट के लिए इसे पानी में डुबो कर रख दे। ये देखिए 5 से 10 मिनट हो गया। अब इसको अच्छे से धो के इसको पसार रहे हैं सूती कपड़ा पे कि इसका पानी निकल जाए। ये अच्छे से फ्राई हो सके इसलिए इसका सारा पानी सुखा रहा है। देखिए कितने अच्छे से कर रहा है। देखिए सारा पानी निकल गया है। अब इसको जा रहे हैं तालने के लिए। देखिए कढ़ाई रख दिए है, अब इसमें तेल डालेंगे। कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब इसमें डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए। गर्म तेल हो गया है, तेल के ऊपर आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि पक गया है। ये देखिए हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। इसमें मूंगफली का दाना डालने जा रहे हैं। मूंगफली के दाने को अच्छे से भून ले, तल ले। देखिए अच्छे से तला गया। अब जो आलू का हम बनाए थे नमकीन उसमें मिला दिए हम, और इसमें सेंधा नमक आधा चम्मच मिक्स करें। काहे के लिए हम व्रत में के लिए बना रहे हैं। लेकिन मानिए बहुत अच्छा रेसिपी है। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।